हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। सॉइल लेयरिंग की मेथड क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आप लोगों से पहले एक वीडियो में शेयर किया। सॉइल लेयरिंग की मेथड को पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए एक महीने का समय लगता है। गाइज, रिजल्ट मुझे क्या मिला ये मैं शेयर करूंगी आप लोगों से आज के वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन पौधों पर मैंने सॉइल लेयरिंग की थी। ये कनेर का पौधा है जिसमें 3 ब्रांच डेवलप हुई थी और मैंने 2 ब्रांच के ऊपर सॉइल लेयरिंग को ट्राई किया है। ये देखिए, आजू बाजू से और छोटे छोटे नए शूट्स भी ग्रो हो रहे हैं। कनेर के पौधे के साथ ये आम बात है। गाइज, बैकग्राउंड में मौजूद मिट्टी और सफाई ना होने को लेकर मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। इस हिस्से पर मैंने इन पौधों को डिस्टर्ब नहीं होने दिया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सफाई नहीं हो पाई है। चलिए अब देखते हैं इन पत्थरों को उठाकर कि क्या मुझे कुछ रिजल्ट मिला है या नहीं। एक महीना पूरा हो चुका है जब मैंने इसे किया था। इस मेथड को करने के बाद एक महीने तक मैंने इस कंटेनर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया है। पहले कंटेनर के ऊपर से स्टोन हटाने के बाद अगर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर की पतली पतली जड़ें हमको मिट्टी के ऊपर नजर आ रही हैं। बहुत आराम से ये जड़ें बन चुकी हैं इसमें, यानी कि मेरी ये स्टेम सक्सेसफुल हो गई है सॉइल लेयरिंग के मेथड के थ्रू। इनमें जड़ें बन चुकी हैं। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि आपने इसमें कट ज्यादा बड़ा लगाया है तो क्या ये गलत है। मैं गाइस, बहुत ज्यादा शार्प कटर था मेरा जब मैं इसमें कट लगा रही थी, तो ज्यादा बड़ा कट हो गया, पर क्योंकि मेरा रेक्टेंगल शेप का कंटेनर था तो मैंने उस कट को वैसे ही रहने दिया और इसको मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से सेट कर दिया था। और दूसरे पत्थर को हटाने के बाद भी सेम रिजल्ट, ऊपर की तरफ पतली पतली सफेद जड़ें दिखाई दे रही है, यानी कि मेरे दोनों कंटेनर में मौजूद पौधों में अच्छी तरीके से जड़ें बन गई हैं। अब मैं इन्हें आराम से ग्रो कर सकती हूँ। चलिए, एक साफ कटर की मदद से मैं सबसे पहले इन दोनों पौधों को इसके मेन प्लांट से अलग कर लेती हूँ ताकि हम इसे अलग कंटेनर में लगा सके और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ इसका रिजल्ट कि वास्तव में मिट्टी के अंदर जो जड़ें बनी हैं वो किस तरीके की बनी है। गाइज, एयर लेयरिंग की भी मेथड होती है जिसको आपने कई बार वीडियोज में देखा होगा। मैंने एयर लेयरिंग की भी एक मेथड ट्राई किया है, अगर सक्सेस हो जाती हूँ तो आप लोगों से उसका भी वीडियो जल्द शेयर करूंगी। ये देखिए गाइज, इस कंटेनर में तो काफी अच्छी रूट्स नजर आ रही हैं। पहले ही बार में मेरी ये मेथड सक्सेसफुल हो गई है क्योंकि सॉइल लेयरिंग बहुत आसानी से आपको सक्सेस दे देती है। आपको समय देना होता है और सही तरीके से मेथड को ट्राई करना होता है, आपको उसमें 100% सक्सेस मिलती है। पौधा कोई भी हो, कटिंग कोई भी हो, हम इसे आसानी से ट्राई करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। कनेर के पौधे पर तो मैंने सिर्फ इसीलिए ट्राई किया था क्योंकि मेरे पास इस वक्त अच्छा एग्जाम्पल दिखाने के लिए यही प्लांट था। आप इस मेथड को किसी भी तरीके के प्लांट की कटिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और एक नए पौधे को बना सकते हैं 100%। चलिए अब सबसे पहले मैं इस कंटेनर को ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर हमें कैसा रूट स्ट्रक्चर मिला है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से रूट्स बन गई हैं। वाओ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पूरा का पूरा कंटेनर इन्होंने रूट्स से कैप्चर कर लिया है, मिट्टी बहुत अच्छे से पकड़ के रखी हुई है, यानी कि ये पौधा बहुत अच्छे से अपनी रूट्स बना चुका है। अब मैं इसे एक बार पॉलिथीन में लगा रही हूँ गाइज। गाइज, इस वक्त मेरे पास ज्यादा कंटेनर्स नहीं है और मैंने कुछ परचेस भी नहीं किया है। मेरे पास जो पॉलिथीन हैं उन्हीं में मैं ज्यादातर ऐसे पौधे लगा देती हूँ और उन्हीं में मैं ये पौधे भी लगा रही हूँ क्योंकि एक बार अच्छे से डेवलप होने के बाद इन्हें कंटेनर में शिफ्ट करना आसान हो जाता है। चलिए, कनेर के ये दोनों पौधे में मेरी अच्छी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है और मुझे रिजल्ट भी काफी अच्छा मिला है पहली ही बार में। आप लोग सॉइल लेयरिंग की ये मेथड विंटर में भी ट्राई कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि जिस जगह कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ भी गिरती है या फिर ऐसी जगह जहां रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है, आप वहां पर सॉइल लेयरिंग की मेथड विंटर में ट्राई कर सकते हैं, पर सॉइल लेयरिंग वाले कंटेनर्स को प्लास्टिक से रात के वक्त कवर कर दिया कीजिएगा ताकि उनकी मिट्टी तक बहुत ज्यादा ठंडक ना पहुंचे तो रूट्स डेवलप होने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे पूछा गया था कि क्या इसे ठंडी जगह पे या ठंडे मौसम में आगे विंटर्स में किया जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगी बिल्कुल किया जा सकता है। पर आपको बस ये देखिएगा, इस दूसरे कंटेनर में भी रूट्स बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो गई है। एक्चुअली मुझे इसका रूट्स का स्ट्रक्चर देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है।
सो आप इस मेथड को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो और ये मेथड आपको कैसी लगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपके तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। गाइज, आप लोग लाइक्स करने में और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। एक वीडियो को लाइक करेंगे आप या कमेंट करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अब मैंने क्या किया है ये देखिए गाइज, इन दोनों को मैंने इस पॉलिथिन में लगा दिया। सबसे पहले तो मैं इन पौधों के टिप्स जो है वो कट कर दूंगी। ये कनेर का पौधा है, विंटर में ये डोरमेंट होते हैं। कहीं कहीं बहुत अच्छी धूप होती है तो इनमें फ्लावरिंग होती है, बाकी जगहों पर बिल्कुल नहीं होती। तो मैं इसके ऊपर के टिप और इन पत्तियों को आधा आधा कट करके दे रही हूँ। वैसे तो जड़े बहुत अच्छी बन गई है प्लांट में, पर ये और अच्छे से सेट हो जाए इस प्लास्टिक के बैग्स में ये जरूरी है। अब मैंने अपने मेन कनेर के प्लांट को भी मैं प्रून कर देने वाली हूँ। लगभग मेरे गार्डन में मौजूद सभी कनेर के पौधों को मैं प्रून करूंगी ताकि वो गर्मियां आने के लिए और बुशी होना शुरू हो जाए। ये चीज आप भी कर सकते हो। जब भी हम एयर लेयरिंग या फिर सॉइल लेयरिंग करके कोई पौधा रिपोर्ट करते हैं तो उसकी टिप्स और लीव्स को कट कर दिया कीजिए गाइस, ताकि रूट्स और अच्छे से सेट हो जाए और जो न्यू ग्रोथ हो वो हेल्दी हो, पौधे के अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखे। सिंपल मेथड थी विथ रिजल्ट, मैंने आप लोगों से अब शेयर कर दी है और मुझे उम्मीद है इस बार मेरे व्यूवर्स में से काफी सारे लोग इस मेथड को ट्राई करके बहुत सारे नए पौधे भी बनाएंगे। सॉइल लेयरिंग के लिए आप किसी भी तरह के पौधे का चॉइस कर सकते हैं गाइज, बहुत इजीली ये डेवलप हो जाते हैं। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। अभी विंटर आने वाला है तो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स को कैसे सीड से ग्रो करना है इस पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। मैं सबके लिंक शेयर कर दूंगी आप सभी लोगों से। मुझे उम्मीद है आपको इस बार विंटर में प्लांट्स ग्रो करने के लिए मेरे वीडियोज बहुत मदद करेंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो। अच्छे अच्छे गार्डनिंग टिप्स और बहुत सारी स्टोरीज के साथ मैं वहां पर मौजूद रहूंगी। Stay tuned, stay connected. Happy gardening!